They say life doesn't give you a second chance. But what if I tell you we can? Welcome to New Life, where we allow you to let go of your past and become a fully grown, newly born. Memory wipes are subject to occasional diarrhea, hair loss, and short-term memory loss. Kindly read all the documents and link your Aadhaar card before signing. Thank you. क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नवीन, you are up. So Naveen, please have a seat. All set for your new life? Not sure about that, but I seriously don't want to go to that old one. So Naveen, right? तो अभी आपने एक basic plan चुना है. इस plan के हिसाब से आपको एक full memory wipe मिलेगा. इसके बाद आपको आपका नाम भी याद नहीं होगा. बेसिकली यू विल बी लाइक अ फुल्ली ग्रोन न्यूली बॉर्न. इसके बाद आपको 3 महीने हमारी फैसिलिटी में रहना पड़ेगा, वेयर विल बी टीचिंग यू द बेसिक स्किल्स लाइक लैंग्वेज, पढ़ना लिखना, बेसिक मैथ्स, बेसिक सिविक रूल्स एंड राइट्स ऑफ द कंट्री ऑफ योर प्रेफरेंस वगैरह वगैरह. एंड सिंस यू ऑप्टेड फॉर द बेसिक प्लान, आपको इंडिया के सिविक रूल्स एंड सिटीजन राइट्स सिखाए जाएंगे. राइट्स? सीरियसली? वो तो मैंडेटरी है सर, बट फॉर योर ओन सर्वाइवल वी एनकरेज यू टू काइंडली इग्नोर देम. ऑल्सो लैंग्वेजेस में हिंदी कंपल्सरी है. यू वुड हैव टू पे फॉर एनी अदर एडिशनल लैंग्वेजेस. और बेसिक इंग्लिश का 50,000 एक्स्ट्रा लगेगा. एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर एनी अदर एक्सेंट्स अदर देन इंडियन, तो उसका और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. तो मेरे को कुछ भी याद नहीं रहेगा, मतलब माय मेमोरी विल बी गॉन कंप्लीटली. एंड यू सीरियसली थिंक दैट विल सॉल्व माय प्रॉब्लम? सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम याद ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट रिमेम्बर दैट यू लव समवन, तो फिर उनके ना होने का दुख क्यों होगा? अगर आपने कोई सपना कभी सोचा ही नहीं तो हाउ वुड यू बी सैड अबाउट द फैक्ट दैट यू डिडंट अचीव इट इन द फर्स्ट प्लेस? Oh great, I think that might help. So my mind, it would be completely blank, right? Well, since aapne basic plan opt kiya hai, to by default kuch memories to saath mein rahengi. For example, you and your boys going for a road trip, right? You and your bae in some candlelight dinner, but that getting spoiled, you know, stuff like that. जब मैं एक फ्रेश स्टार्ट लूंगा तो तू ये सब क्यों चाहिए मेरे को? सर आपने बेसिक प्लान चुना है, इसमें यही सब होगा. अगर ये सब अनवांटेड मेमोरीज नहीं चाहिए तो आप हमारे बेटर प्लान से भी अपग्रेड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा न्यू लाइफ गोल्ड प्लान, जिसमें आपको अप टू 12 मेमोरी स्टोर करने की फैसिलिटी होती है. और बाय द वे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का फीचर भी है. एंड देन देयर इज द प्लैटिनम प्लान व्हिच द जेंटलमैन जस्ट बिफोर यू हैड चोजन. इस प्लान में यू कैन चूज टू रिटेन एज मेनी मेमोरीज एज यू वांट, एंड यू कैन इवन एडिट एंड कस्टमाइज देम एज वेल. वाओ यार, सो ये वाला प्लान कितने का पड़ेगा? ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, 1.5 करोड़ पर डेकेड. और अगर आप 10 साल के बाद टॉप अप नहीं करेंगे तो आपकी सारी ऑल्टर्ड मेमोरीज वापस ओरिजिनल बन जाएंगी. मेरे हिसाब से आपके लिए ये न्यू लाइफ गोल्ड प्लान सही रहेगा. हाउ मच इज दैट फॉर? सर ये आएगा 50 लाख पर डेकेड. देखो भाई, मैंने बहुत मुश्किल से आपके बेसिक प्लान के लिए 25 लाख रुपए जमा किए हैं. एंड एट दिस पॉइंट at max I can sell my petrol reserves online and I can arrange 5 lakh rupees. agar usme kuch ho sakta hai to please aap dekh lijiye. sorry sir, we don't have any plans for 30 lakhs. please you have to help me, I really wanna get rid of this old life. ye ek aur nayi zindagi shuru karte karte I don't want this me and my boys wala road trip.
एंड ये स्पॉटलाइट वाला डिनर, आई सीरियसली डोंट वॉन्ट दैट, प्लीज यार एक भाई समझ के कुछ कर दो यार। भाई भाई सॉरी सर, भाई का कोई रेफरेंस नहीं है, बट मैं आपको वन ऑफ माय बॉयज समझ के आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। सर एक काम हो सकता है, वो एडिशनल 5 लाख पे आपको अप टू 3 मेमोरीज रिटेन हो सकती है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके ग्रेट, बट आई शुड वॉन्ट यू सर, मेक श्योर कि ये बहुत ही प्लेजेंट मेमोरीज हो, और ये मेमोरीज जिनके भी साथ हो उनके साथ आपकी कोई बुरी यादें ना हो, वरना पॉजिटिव मेमोरीज के साथ वो भी ट्रिगर हो जाएंगी और आप फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। सर प्लीज कीप दिस डिवाइस ऑन योर फोरहेड, ये आपके न्यूरल रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करके आपको यादें चूज करने में हेल्प करेगा। नाउ टेल मी द मेमोरीज दैट यू वांट टू कीप। फर्स्ट डे ऑन माई फर्स्ट एवर जॉब, बहुत स्ट्रगल किया इस जॉब को लेने के लिए। आई वॉज रियली हैप्पी दैट डे, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कुछ अचीव किया है। आई वुड लाइक टू कीप दैट। दिस वॉज अ स्टेबल एंड सिक्योर जॉब विच यू लेफ्ट आफ्टर 2 years बिकॉज यू एंडेड अप बीइंग अनहैप्पी विथ योर डेली रूटीन लाइफ एंड डिसाइडेड टू लॉन्च योर ओन स्टार्टअप दैट इवेंचुअली फेल्ड एंड कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ डेट। I cannot keep this memory. I don't want it. Don't worry, sir. Kuch aur sochte hain. Let's try something special for you. You know, maybe like think of a memory where you actually felt love for someone. स्पेशल मेमोरी मेरे लिए, आई थिंक आई विल कीप दैट। दिस इज द सेम गर्लफ्रेंड जिसके छोड़ के जाने पर आप डिप्रेशन में चले गए थे। यू स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू स्टार्टेड ड्रिंकिंग, यू लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन योर ड्रीम जॉब एंड इवेंचुअली वेंट फॉर थेरेपी। सर ये छोड़ो, कुछ और मेमोरी ट्राई करते हैं। कुछ भी नहीं है, एक भी मेमोरी नहीं है जिसके साथ कोई अच्छी चीज जुड़ी हो। शायद वो बुरी मेमोरीज ही जो अच्छी मेमोरीज को और अच्छा बनाती हैं। आई मीन यू वॉन्ट हैव योर गुड ओल्ड डेज इफ यू आरंट लिविंग योर वर्स्ट। सॉरी सर, आई रियली डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। तो क्या बोलते हो, न्यू लाइफ शुरू करें? क्या करेंगे इसका यार?
सेट